में थोड़ा सा रेड मिलाकर उसे पिंक बनाया जाएगा और पिंक कलर से फ्लावर्स की लीफ तैयार की जाएगी। सबसे पहले लीफ की निचले वाले हिस्से को पूरा भर दिया जाएगा और ऊपर वाले हिस्से को खाली रखा जाएगा। खाली रखने के बाद में मैं बताऊंगी इसे खाली क्यों रखना है। ये देखिए पिंक वाला काम हो गया है, काफ़ी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इसे थोड़ा सा सुखा लेना होगा ताकि इसके ऊपर जब हम रेड का काम करेंगे तो ये आसानी से झाड़िए का काम हो सके। ये देखिए मैं दूसरा वाला फ्लावर तैयार कर रही हूँ और उसके बाद तीसरा फ्लावर भी। गाइस इसी तरह से पूरा वीडियो देखिएगा और देखिए बनने के बाद इसका लुक कितना खूबसूरत आएगा। ये रेड कलर का खिलता हुआ फ्लावर रोज़ बनेगा। गाइस फैब्रिक पेंट सीखना बनाना बहुत ही आसान है, बस फिनिशिंग करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। बहुत जल्दी सीख सकते हैं आप। ये देखिए हल्का हल्का कलर बनने के बाद वाइट में ये पिंक, अभी तो पता नहीं चल रहा लेकिन रोज़ बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा ये। थोड़ा सा रेड ले करके वाइट में मिक्स करके सिर्फ पिंक कलर बना सकेंगे। बिल्कुल सही हुआ। एक एक फ्लावर बनाते जाए और उसे सूखने के लिए थोड़ा सा वक्त देना होगा। ज़रा सा सूखने के बाद उसके ऊपर हम रेड कलर का कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। रेड लीफ बनाने के लिए सबसे पहले हम आउटलाइन कर लेते हैं। ये देखिए झाड़ियाँ पतली ब्रश से, 3 नंबर की ब्रश का यूज़ झाड़ियों में किया जाता है। और फ्लावर्स को भरने के लिए आप मोटी पतली ऑप्शनल है, कोई भी ब्रश ले सकते हैं। माशाल्लाह एक लीफ तैयार हुई है। और अगली देखिए, ये देखिए पतली पतली झाड़ियाँ, जितनी पतली झाड़ियाँ बनेगी उतनी खूबसूरती आएगी। हाँ देखिए
कलर ऑप्शनल है, आप रेड भी बना सकते हैं, पिंक भी बना सकते हैं, ब्लू भी बना सकते हैं, कोई भी कलर सेटिंग कर सकते हैं आप। क्योंकि फैब्रिक पेंट करने में, फैब्रिक पेंट का हर कलर खूबसूरत होता है, बस फिनिशिंग होनी चाहिए। ये देखिए रेड कलर ऊपर में भर गया जहाँ मैंने खाली रखा था, ये देखिए। इसी तरह बाकी के फ्लावर्स भी तैयार कर लेंगे। ये माशाल्लाह, ये देखिए ये फ्लावर कितना खूबसूरत हुआ, रोज़ खिलता हुआ रोज़। ये देखिए फिनिशिंग भी अच्छी आई है। इसी तरह से बाकी के रोज़ेस भी बना लेंगे, छोटी वाली रोज़। गाइज यहाँ कलर ऑप्शनल है, आप कोई भी कलर सेटिंग कर सकते हैं। ये तीसरा वाला फ्लावर, आप चाहे तो तीनों फ्लावर्स को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। पत्तियां बनने के बाद इसका लुक और भी खूबसूरत हो जाएगा। वैसे पत्तियां तो ग्रीन कलर की ही होती हैं, और पत्तियां बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा इसका। हाँ ये देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। ये देखिए नज़दीक से कितना खूबसूरत लुक आया तीनों फ्लावर्स का। अलग अलग कलर्स के भी बन सकते हैं, लेकिन ये तीनों एक ही कलर के होने से और भी खूबसूरत लुक आएगा। और देखिए ग्रीन कलर की पत्ती कितनी खूबसूरत है, बाकी की पत्तियां भी ऐसे ही बना सकते हैं झाड़ी झाड़ियां दे करके। इसमें मैंने सिर्फ ग्रीन कलर से पत्तियों का आउटलाइन किया है, मोटा आउटलाइन, और आउटलाइन के बाद उसे झाड़ियाँ दी है, बस इतने से ही पत्ती तैयार हो गई है। अच्छी आउटलाइन करने से शेप अच्छा आएगा, तो उसके बाद फिनिशिंग आती है और लुक खूबसूरत हो जाता है इसका। ये देखिए डंडी बाकी है इसकी, सैप ग्रीन या मारुति ग्रीन से डार्क ग्रीन करके इसकी डंडियां बनाएंगे। ये देखिए डंडियां भी तैयार हो गई, और हल्की हल्की झाड़ी दे करके पत्तियों के बीच बनाया गया है। देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत आया है। गाइज हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर कुछ भी बात करनी हो कमेंट्स कीजिए।